नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः टारगेट तालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में। मैं गौरव निरंजन स्वागत करता हूं आपका इसी उम्मीद के साथ कि अभी से आप 21 जून यानी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए और साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के लिए हमारे विषय विशेषज्ञों के साथ तैयारी में जुट गए होंगे। आप देख रहे हैं किस प्रकार आपके लिए मेहनत की जा रही है, दिल्ली के अच्छे अच्छे टीचर बुलाए जा रहे हैं आपके लिए ताकि 2020 में एक अच्छा सा प्रशासनिक पद, चाहे वो DYSP हो, चाहे SDM हो, चाहे नायब तहसीलदार हो, उस पद पर आप निश्चित रूप से चयनित हो सके। इस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान के द्वारा दो अलग अलग बैच संचालित किए जा रहे हैं। एक बैच है जिसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए विषय विशेषज्ञों के द्वारा बैच संचालित किया जाएगा और एक बैच होगा जिसमें ना केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा का भी आपको अध्ययन कराया जाएगा, ठीक ना, इलाहाबाद और दिल्ली के विषय विशेषज्ञों के द्वारा। तो यदि आप इन बैचों में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो एक छोटी सी प्रक्रिया है, यदि आप प्रारंभिक परीक्षा में प्रवेश लेना चाहते हैं UPPCS प्री में, तो आपको 9170509670 इस नंबर पर UPPCS प्री एंट्री लिखकर मैसेज करना होगा। और यदि आप प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करना चाहते हैं टारगेट बितालुक ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में, तो आपको इस नंबर पर 9918000454 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से UPPCS प्री का मेंस एंट्री लिखकर सेंड करना होगा। हमारे काउंसलर्स आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपको प्रवेश प्रक्रिया समझा दी जाएगी और आपकी तैयारी प्रारंभ कर दी जाएगी, ठीक ना। चलिएगा, तो मैं आपको भूगोल पढ़ाऊंगा और भूगोल में हम बात कर रहे थे आर्थिक भूगोल की। आर्थिक भूगोल में हमने खनिजों को देख लिया था, उसी के आगे एक स्टेप बढ़ाते हैं भारत की कृषि पर, ठीक ना। तो आज हम लोग भारत की कृषि को समझेंगे और ये भारतीय कृषि से एग्जाम में एक से दो, प्रारंभिक परीक्षा में एक से दो प्रश्न आएंगे और मुख्य परीक्षा में भी यहां से एक प्रश्न बनता है, ठीक ना। तो हम बात करते हैं भारत की कृषि की, ठीक ना। चलिए आइए, टॉपिक हो जाता हमारा भारतीय कृषि। ये टॉपिक आपको दोनों सब्जेक्टों में पढ़ना होगा, ज्योग्राफी में भी और साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में भी, ठीक ना, भूगोल में भी और अर्थव्यवस्था वाले पार्ट में भी। देखिएगा, अगर हम बात करें भारतीय कृषि को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की कृषि को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक ना, तो भारत की कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों में तीन कारक हैं जो भारत की कृषि को प्रभावित करते हैं। पहला है भौतिक कारक, भौतिक कारक। दूसरा कारक होता है संरचनात्मक कारक। और तीसरा होता है संस्थागत कारक। ये तीन कारक हैं कृषि को प्रभावित करने वाले। अगर हम भौतिक कारकों में बात करते हैं तो भौतिक कारकों में दो चीजों का उल्लेख किया जाता है, एक तो जलवायु और दूसरा मृदा। जलवायु के साथ साथ मृदा। आपने पढ़ा होगा कि भारत की जो कृषि है वो मानसून पर आधारित है, मानसून के अनिश्चित यानी कभी मानसून समय से आता है, कभी मानसून समय से नहीं आ पाता है, जिस कारण से कृषि संबंधित कार्यों में अन्यथा देरी हो जाती है। कभी मानसून समय से पहले आ जाता है, जैसे अभी देखिएगा कुछ समय पहले की बात है, लगभग 24-25 तारीख के आसपास का क्षेत्र दिसंबर में, और उसके बाद मकर संक्रांति के समय की बात है 10 तारीख के आसपास, तो वर्षा हो रही थी, ठीक ना, उत्तर भारत के क्षेत्र में वर्षा हो रही थी, जिस कारण से जो रबी की फसल इस टाइम तैयार हो रही थी, जैसे मटर आता है और जो गेहूं आता है, चना है, तो उस पर दुष्प्रभाव नजर आ रहा था, ठीक ना। एक बड़े रीजन में भारत के उत्तर भारत में एक बड़े क्षेत्र में मटर की कृषि की जाती है और मटर की कृषि जो है रबी की फसल में शामिल होती है, और जब उसमें पुष्प होता है उसी समय वर्षा होगी, तो जिस कारण से उस मटर के उत्पादन में हो सकता है कि कमी आ जाए। तो यदि वर्षा हमें पता चल जाए कि जलवायु में मुख्य तौर पर हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं, वर्षा की, तो वर्षा और वर्षा के साथ साथ मृदा, ये दो कारक हैं जो
भारत की कृषि को प्रभावित करते हैं, इनको हमने भौतिक कारकों में रखा है। अगर हम संरचनात्मक कारक की बात करते हैं तो संरचनात्मक कारकों में हमारा क्या आ जाता है, संरचनात्मक कारकों में आ जाता है बीज, संरचनात्मक कारकों में और क्या आ जाता है उर्वरक, संरचनात्मक कारकों में आ जाता हमारा जल, नहर वगैरह वगैरह, संरचनात्मक कारकों में आ जाता हमारी पूंजी और संरचनात्मक कारकों में आ जाता है तकनीक। ठीक ना, संरचनात्मक कारकों में और क्या आ जाती है तकनीक। अब देखिएगा अगर हम बात करें जापान की तो जापान पूर्वी एशिया का एक महत्वपूर्ण देश है, एक द्वीपीय देश का उदाहरण है जो प्रशांत महासागर में स्थित है और प्लेटों के इंडियन प्लेट या यूरेशियन प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट के टकराने के कारण यहां पर भूकंप की बारंबारता बनी रहती है, बार बार भूकंप आते हैं, भूकंप आते हैं बार बार, तब भी यहां पर इतनी अच्छी तकनीक का विकास कर दिया गया है कि वो तकनीक ना केवल मानव उपयोग में बल्कि कृषि में भी उपयोग की जाती है। यहां पर बहुमंजिली इमारतों में कृषि की जाती है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कहां किस देश में बहुमंजिली इमारतों पर कृषि की जाती है, इस प्रकार से इमारतें बनाई गई हैं, इस प्रकार से इमारतें बना दी गई कि उन इमारतों में ग्लास लगा दिए गए और जब सूर्य का प्रकाश यहां पर पड़ता है तो यह अन्य क्षेत्रों में अपने प्रकाश को पहुंचा देता है जिस कारण से पौधों को प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। मान लीजिएगा यहां पर एक मंजिल है और ये फर्स्ट फ्लोर है, यहां पर हमने गेहूं लगाया हुआ है तो यहां पर प्रकाश कैसे आएगा, तो इस प्रकार से दूसरी बिल्डिंग में शीशे लगा दिए जाते हैं, आईना या कांच लगा दिया जाता है, ग्लास, जिस कारण से जब उस पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है वो अन्य क्षेत्रों में प्रकाश को परावर्तित कर देता है। ठीक ना, तो तकनीक का होना बहुत आवश्यक है, अगर अच्छी तकनीक होगी तो हम अच्छे से कृषि को कर पाएंगे। ठीक ना, उसके बाद अगर हम यहीं पर अभी बात करेंगे आपसे हरित क्रांति कार्यक्रम की, तो भारत में हरित क्रांति अगर आपसे पूछा जाए, ये मुख्य परीक्षा में भी पूछे जाते हैं हरित, यहीं से देखिएगा प्रारंभिक परीक्षा से ही, अगर प्रारंभिक परीक्षा को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे तो मुख्य परीक्षा में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपने आलोक सर का एक वीडियो देखा होगा जिसमें सर ने आपको ड्यूरेशन बताया था कि अगर जनवरी से लेकर हम जोड़ते हैं 21 मार्च तक तो लगभग लगभग हमारे पास 5 मंथ हैं और अक्टूबर में मुख्य परीक्षा होनी है वहां तक हमारे पास 3 मंथ हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में हर एक चीज को अगर आपने समेकित कर लिया कि किस प्रकार से चीजें हो रही हैं तो, और मुख्य परीक्षा में वही बार बार आप चीजें पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छा आंसर राइटिंग लिख पाएंगे। अब क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि हरित क्रांति कार्यक्रम भारत में क्यों चलाया गया और हरित क्रांति कार्यक्रम चलाने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा कीजिएगा, इस प्रकार से प्रश्न बनता है। तो ये तो हर कोई जानता है कि हरित क्रांति कार्यक्रम खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने के लिए चलाया गया था और मुख्य रूप से चावल गेहूं के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए, क्योंकि हम आजाद हुए थे 1947-1950 में, हम गणतंत्र हुए उसके बाद हमारी जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी, उत्पादन हमारा कम था और हमारी जनसंख्या यानी मांग हमारी बढ़ रही थी, मांग बढ़ रही थी, उत्पादन सीमित था, ऐसी कंडीशन में हम प्रत्येक व्यक्ति को कैसे भोजन उपलब्ध करा पाएंगे। तो एमएस स्वामीनाथन के सहयोग से भारत में हरित क्रांति कार्यक्रम चलाया गया। उस हरित क्रांति कार्यक्रम में मुख्य रूप से हमें जरूरत पड़ी जल की, हमने इंदिरा गांधी कैनाल का विकास किया जहां पर वर्षा कम होती है, उर्वरक उत्पादन में भारत का पूरे विश्व में प्रथम स्थान है वर्तमान में भी, बीज हमारे यहां अच्छे नस्ल का बीज नहीं होता था, या हम कह सकते हैं कि हमारे यहां अच्छी गुणवत्ता का बीज नहीं होता था, हमने जेनेटिक मॉडिफाइड फसल जिसको हम जीएम फसल के नाम से जानते हैं, किस फसल के नाम से जानेंगे, जीएम फसल के नाम से जानते हैं जेनेटिक मॉडिफाइड फसल, हमने गेहूं की जेनेटिक मॉडिफाइड फसल का आयात किया मेक्सिको देश से, हमने वहां से अच्छे प्रकार के गेहूं को मंगाया। ठीक ना, चलिएगा यहीं पर मैं आपको एक महत्वपूर्ण चीज समझाता हूं। ठीक ना, समझिएगा आज का जो टॉपिक है, हालांकि मैं प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपको पढ़ा रहा हूं लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहीं से अपनी सोच डेवलप करें, यहीं से आप अपनी सोच डेवलप करें, क्योंकि आज जनवरी है और जनवरी से आपको 21 जून को परीक्षा देनी, बहुत लंबा समय है, आप मेंटली रूप से तैयार हुईगा। ठीक ना, चलिएगा हमने जो अच्छी गुणवत्ता का बीज है, हमने बीज कहां से मंगाया, हमने बीज मेक्सिको से मंगाया, मेक्सिको में मेक्सिको के वैज्ञानिकों ने क्या किया, गेहूं के जो बीज था उसमें उसके जो जीन था गेहूं के बीज के जीन को परिवर्तित कर दिया और वहां से अच्छे प्रकार के एक नए गेहूं का विकास कर दिया। हमारा देश यानी इंडिया की बात करें तो इंडिया की बात यह थी कि अगर हम 1 क्विंटल गेहूं का उत्पादन या 1 क्विंटल हम गेहूं को बोते हैं तो इससे हद से हद हमें 7 से 8 क्विंटल गेहूं की प्राप्ति होती थी। ठीक ना,
लेकिन यदि यही जो मेक्सिको के द्वारा हमने बीज मंगाया है इसकी उत्पादन क्षमता अधिक है, अगर आप इस मॉडिफाइड गेहूं के बीज को अगर आप 1 क्विंटल बोते हैं तो इससे 15 क्विंटल गेहूं मिलता था। कितना मिलता है? 15। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि 15 ही मिलेगा, लेकिन हां जितना मूल बीज से मिला था उससे उत्पादन इसका अधिक ही हो रहा था, ठीक ना। तो इसलिए हमने हरित क्रांति कार्यक्रम चलाया गया। वर्तमान समय जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा कि सकल बोया गया क्षेत्र गेहूं का और चावल का सकल बोया गया क्षेत्र भारत में ज्यादा है, लेकिन उत्पादन के मामले में चीन से पीछे। चीन के मान लीजिएगा चीन के इतने एरिया में चावल बोया जाता है और भारत में इतने एरिया में चावल बोया जाता है, तो ये चीन का है, चाइना का है और ये इंडिया का है। इंडिया में इतने अधिक क्षेत्रफल में चावल बोया जा रहा है, तब भी अगर उत्पादन की बात आती है तो चीन आगे है और भारत पीछे। क्यों? क्योंकि चीन में अच्छे प्रकार की क्या है, अच्छे प्रकार की तकनीक है, अच्छे प्रकार का क्या यूज किया जा रहा है, बीज, अच्छे प्रकार के उर्वरक यूज किए जा रहे हैं। हालांकि उर्वरक तो हमारे पास भी अच्छा है, जल और पूंजी का कोई मतलब नहीं होता है, हाँ लेकिन प्रभावित करते हैं, जल भी प्रभावित करता है। अगर आपने, मैंने ही पढ़ा है भारत के नदियों में आपको, अगर आप पहले वीडियो देखे होंगे हमारे जो भी पब्लिक वीडियो आ रहे हैं डेमो, उनमें देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अगर किसी बैच में पढ़े होंगे हमसे तो हमने जरूर बताया होगा कि हरके बैराज एक बांध है सतलज नदी पर, यहां से भारत की सबसे लंबी नहर निकाली गई इंदिरा गांधी कैनाल, और इंदिरा गांधी जो कैनाल है उसका संबंध भारत के 4 राज्यों से, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। आप देख रहे हैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान का जो क्षेत्र है वो शुष्क रहता है, अपेक्षाकृत वर्षा वहां पर कम होती है, तो उस क्षेत्र में नहर क्यों निकाली हमने, क्योंकि उस क्षेत्र में हमने नहर इसलिए निकाली क्योंकि वहां पर जहां पर वर्षा नहीं हो रही वहां पर आसानी से खेतों में जल पहुंच सके और वहां से उत्पादन हो सके, ठीक ना। तो ये 5 कारक हो गए संरचनात्मक। अगर हम संस्थागत कारकों की बात करते हैं, संस्थागत कारकों में कौन कौन से आते हैं, तो संस्थागत कारकों में हमारा आता है जोत का आकार। क्या आता है? जोत का आकार, इसी को आप चाहे तो खेत कह लीजिएगा, ठीक ना, इसी को खेत कह लीजिएगा। दूसरा इसी में हमारा आता है श्रमिक, जो कि काम करेगा श्रमिक, आप चाहें तो इसको किसान कह लीजिएगा, किसान, ठीक ना। और तीसरा आता है हमारी मशीनरी, तीसरा हमारा आता है मशीनरी। तो ये हमारे संस्थागत कारक है। भारत आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर यानी मशीन का निर्माण करता है, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में किसान है या नहीं है। मोदी जी कहीं पर जाते हैं तो बोलते हैं मैं उस देश का रहने वाला हूं जहां पर 125 करोड़ की आबादी है। हम विश्व की सबसे बड़ा बाजार है हम विश्व का। क्यों? क्योंकि हमारे पास संख्या अधिक है, जनसंख्या अधिक है, और जनसंख्या अधिक जहां पर होगी वहां पर मांग निश्चित तौर पर अधिक होगी। अब एक क्या है, एक है हमने लिखा है जोत का आकार यानी खेत। आप जब मेंस पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स में भी पढ़िएगा और भूगोल में भी कुछ शब्द है, हालांकि आप इनसे परिचित होंगे, चकबंदी, हदबंदी, ठीक ना। चकबंदी प्रोग्राम चलाया गया भारत सरकार के द्वारा, हदबंदी प्रोग्राम चलाया गया। चकबंदी प्रोग्राम में क्या है कि मान लीजिएगा एक व्यक्ति है जिसका एक खेत यहां पर है, यहां पर मान लीजिएगा इस सड़क गई है, एक खेत यहां पर है, इसका एक खेत यहां पर है, छोटे छोटे से 2 टुकड़े हैं। कई बार होता है कि वो खेती करने के लिए जब इस खेत में होता है देखता है यहां पर जानवर है, भागा भागा यहां पर जाता है तो समय विलंब हो जाता है, फिर भाग के यहां पर आता है, फिर से खेती करता है। हो सकता है यहां पर पानी, हो सकता है कि यहां पर वो कार्य कर रहा हो जब उसे बार बार यहां पर जाना पड़े। तो सरकार ने योजना निकाली जितना इसका क्षेत्र यहां पर है और जितना यहां पर है दोनों को एक ही जगह पर कर दिया जाए। मान लीजिएगा 5 एकड़ है, मान लीजिएगा 3 एकड़ है, तो इस व्यक्ति के पास कुल जमीन कितनी है, तो इस व्यक्ति के पास कुल जमीन 8 एकड़ है, तो एक ही जगह पर इसको 8 एकड़ का खेत दे दिया जाए ताकि इसकी भागदौड़ बच सके, इसका समय बच सके और ये अच्छे रूप से कृषि को अपनी कर सके, ठीक ना। कई बार ऐसा होता है, आपने देखा होगा जमीन के विवाद बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। किसी का खेत मान लीजिएगा यहां पर है, किसी व्यक्ति का खेत एक यहां पर है, किसी व्यक्ति का खेत यहां पर है, और मान लीजिएगा यहां से एक नहर जा रही है, ये पानी है, तो नहर के द्वारा पानी सबसे पहले इस वाले को और इस वाले को प्राप्त होगा जो पास में है, और जो दूर है नहर से उनको पानी क्या होगा, देर में प्राप्त होगा। हो सकता है उसी चक्कर में इनके दोनों के बीच में क्या हो जाए, विवाद उत्पन्न हो जाए, ठीक ना। तो ये भी कहीं ना कहीं जोत का आकार, जितना छोटा जोत का आकार होगा उतनी ज्यादा समस्या होगी, जितना बड़ा जोत का आकार होगा उतनी कम समस्या होगी, ठीक ना। अभी मैं इसी कृषि में आपको बताऊंगा कि एक फसल पद्धति सही है बहुफसली पद्धति, बहुफसली पद्धति अच्छी होती है। एक ही खेत में एक बड़ा सा खेत हो आपके पास और उसमें आप कई सारी फसलों को एक बार में क्या पकड़ पा रहे हो, उगा पा रहे हो, ठीक ना।
तो वहां वो ज्यादा बेटर है, ठीक है ना, क्योंकि फसलों की बारंबारता, फसलों को बार बार बदलने से मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। जैसे मुख्य रूप से अगर हम दाल की बात करें तो अगर दालों को जहां पर भी हम उगाएंगे, दाल अगर हम उगाते हैं तो दाल की, दाल से मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है और नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि और विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, ठीक है ना। तो ये तीन जो है संरचनात्मक, संस्थागत और भौतिक कारक हैं, इनको हमने अच्छे से आपको समझाया है, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिएगा इसके आगे देखते हैं, इसके आगे एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द आता है, कृषि गहनता या फसल गहनता क्या होती है, ठीक ना, कृषि गहनता या फसल गहनता क्या होती है, ठीक ना। तो कृषि गहनता या इसी को बोल देते हैं हम क्या, फसल, कृषि गहनता या इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं फसल गहनता, ठीक ना। ये होते क्या है तो समझिएगा, कृषि गहनता का निर्धारण किसी क्षेत्र में, ठीक ना, कृषि गहनता का जो निर्धारण है, कृषि गहनता का जो निर्धारण है वो किसी क्षेत्र में, किसी क्षेत्र में एक वर्ष में एक कृषि गहनता का निर्धारण किसी क्षेत्र में एक वर्ष में उपजाई जाने वाली फसलों की उपजाई, अच्छे समझिएगा कहां से कहां जोड़ेंगे, उपजाई जाने वाली फसलों की, उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या को निर्धारित करता है, उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या को निर्धारित करता है, उपजाई जाने वाली संख्या के आधार पर गणना इसकी की जाती है, ठीक ना। तो हमने क्या लिखा है, कृषि गहनता का निर्धारण किसी क्षेत्र में एक वर्ष में उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या के आधार पर किया जाता है, के आधार पर किया जाता है, ठीक ना, किसका निर्धारण, कृषि गहनता का। अब देखिएगा इस छोटे से शब्दों को हम कितने अच्छे से समझ पाते हैं, कृषि गहनता का निर्धारण किसी क्षेत्र में एक वर्ष में उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या के आधार पर। आप बताइएगा यदि किसी एक क्षेत्र में आप एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगाते हैं, एक से अधिक फसलों को उपजाते हैं, तो निश्चित तौर पर वहां की मिट्टी उर्वर होगी, निश्चित तौर पर उस क्षेत्र की जो मिट्टी होगी, उस क्षेत्र की जो मृदा होगी, वो मृदा कैसी होगी, वो मृदा उपजाऊ होगी, पहली बात, होगी या नहीं होगी। अगर एक वर्ष में उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या अधिक है तो निश्चित सी बात है कि वहां पर जल की उपलब्धता क्या होगी, जल की उपलब्धता सुगम होगी, आसानी से जल हमें क्या हो जा रहा होगा, मिल जा रहा होगा। एक दो चीजें हो सकती हैं। तो अगर हम इन दोनों की बात करें कि मृदा उपजाऊ और जल की उपलब्धता सुगम, तो अगर भारत की मिट्टियों में हम देखें तो भारत की मिट्टियों को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे उत्तम प्रकार की, जो सबसे उच्च कोटि की मिट्टी मानी जाती है वो जलोढ़ मृदा है। कौन सी मिट्टी मानी जाती है, वह मिट्टी मानी जाती है जलोढ़ मृदा। और जो जलोढ़ मृदा है, ये जलोढ़ मृदा है कहां पाई जाती है, नदी के क्षेत्र में, नदियों के द्वारा बहाव कर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से जिस मिट्टी का निर्माण होता है उस मिट्टी को हम जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे, जलोढ़ मृदा। तो जहां पर जलोढ़ मृदा होगी वहां पर महीन महीन रेत पाए जाते हैं, पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, जिस कारण से उसका उपजाऊपन अधिक हो जाता है। दूसरी बात, जल की उपलब्धता क्या होती है, नदी है तो नदी में जल की उपलब्धता अधिक हो जाएगी। अब अगला पॉइंट समझिएगा इसी में, जलोढ़ मृदा की अगर बात करें तो ये आपका पर्वत है, ये आपके ऊबड़ खाबड़ पठार हो गए, और समतल संरचना को हम एक नाम दे देते हैं मैदान, ये समतल संरचना है मैदान। अगर उत्तर भारत के मैदान की बात करें हम, उत्तर भारत का मैदान, तो उत्तर भारत का मैदान जो गंगा नदी के द्वारा निर्मित है, सतलज नदी से लेकर गंगा ब्रह्मपुत्र नदी तक के क्षेत्र को उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है। अगर हम बात करें, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, पर्वत से निकलती है, गंगा नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, यमुना नदी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, सतलज नदी मानसरोवर झील हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है। तो जब भी कोई नदी पर्वतीय क्षेत्र से निकलती है, जो पर्वतीय क्षेत्र से कोई भी नदी निकलेगी, अच्छे समझिएगा,
पर्वतीय क्षेत्र से जब भी कोई नदी निकलेगी तो अपने साथ अवसादों को बहाकर ले जाएगी और उन अवसादों को एक स्थान पर जाकर छोड़ देगी, और जिस स्थान पर उन अवसादों का जमा हो जाएगा उस स्थान को ही क्या नाम दे देते हैं, मैदान। और मैदान के बारे में कहा जाता है कि मैदान समतल होते हैं। कैसे होते हैं मैदान? मैदान समतल सपाट संरचना को मैदान कहा जाता है। तो मैदान में जलोढ़ मिट्टी की मात्रा अधिक हो जाने के कारण ही मैदानी क्षेत्रों में एक वर्ष में एक से अधिक फसलों को उगाया जाता है। उदाहरण आपके सामने है, उत्तर भारत के मैदान, अगर आप में से कोई भी गाजीपुर, इलाहाबाद, जौनपुर, इस पूर्वांचल के क्षेत्र का होगा, बिहार के क्षेत्र का होगा, देख लीजिएगा आपके यहां एक से अधिक फसलों को उगाया जाएगा। जबकि वह व्यक्ति जो पहाड़ी क्षेत्र का या पठारी क्षेत्र, बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र है, यदि कोई व्यक्ति बुंदेलखंड पठारी क्षेत्र का या पहाड़ी क्षेत्र का है तो वहां पर एक वर्ष में एक ही फसल उगाई जाती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में एक से अधिक फसलों को उगाया जाएगा। आपसे आईएएस और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र की फसल गहनता अधिक पाई जाती है, भारत में किस क्षेत्र की फसल गहनता अधिक पाई जाती है। ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत, यानी उत्तर पूर्वी भारत जहां पर हमारी सेवन सिस्टर्स हैं। ऑप्शन बी उत्तर भारत का विशाल मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी दक्षिण भारत का पठारी क्षेत्र। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, उत्तर भारत का मैदानी क्षेत्र की फसल गहनता अधिक होती है। फसल गहनता का अर्थ एक वर्ष में उपजाई जाने वाली फसलों की संख्या यदि अधिक है तो उसको हम फसल गहनता बोलते हैं, ठीक ना। तो अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसी प्रकार से आंसर देना। अब फसल एक, अगर यहीं पर अब दूसरा क्वेश्चन बना लेंगे हम, दूसरा क्वेश्चन क्या बना लेंगे कि फसल गहनता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो फसल गहनता को प्रभावित करने वाले कारक हो सकता है, पहला मृदा, जहां पे मृदा अधिक उपजाऊ होगी वहां पर सीधी सी बात है एक वर्ष में अधिक फसलों को उगाएंगे। दूसरा जल की सुगमता, वहां पर हमें जल्दी से सुगमता से क्या मिल जाए, सुगमता से हमें जल मिल जाता है। तो मृदा उपजाऊ होनी चाहिए और जल की उपलब्धता सुगम होनी चाहिए, ठीक ना। ये देखिएगा आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में, कृषि से तब क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं आएगा कि गेहूं उत्पादन में सबसे आगे कौन सा राज्य है, कई बार वो बीच में ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है, लेकिन ऐसे कथन कारण वाले प्रश्न ज्यादातर पूछते हैं, कथन कारण वाले, ठीक ना। प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे वो आईएएस की हो चाहे पीसीएस की, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक ना। चलिएगा इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग ऋतु के आधार पर, ऋतु के आधार पर, ऋतु के आधार पर भारत की फसल का वर्गीकरण या कृषि का वर्गीकरण। कृषि का वर्गीकरण ठीक ना। तो देखिएगा ऋतु के आधार पर भारत में तीन फसलें होती हैं, ऋतु के आधार पर भारत में तीन फसलें होती हैं। इस फसल से तो सभी परिचित होंगे, रबी की फसल। कौन सी फसल है, तो पहली इस फसल से तो ही परिचित ही होंगे, रबी की फसल। अगर हम बात करते हैं रबी की फसल की, तो रबी की फसल शीतकालीन फसल है। रबी की फसल कैसी फसल है, तो शीतकालीन फसल है, शीतकाल में से बोया जाएगा। अगर हम इसकी बुआई की बात करें तो यहां पे हम लिख लेते हैं बुआई, या समझ जाएंगे इतना। तो यह अक्टूबर नवंबर में, दिवाली के टाइम अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और इसको अप्रैल मई तक काट लिया जाता है। अप्रैल मई तक इसको क्या कर दिया जाता है, इसको अप्रैल मई तक काट लिया जाता है। ये वाला जो समय है, ये जो है कैसे समय है, इस शीतकाल का समय है और जब बोई जाती है, इस आधार पर देखते हैं। अगर हम बात करें रबी की फसल में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो रबी की फसल में मुख्य रूप से गेहूं, मुख्य रूप से चना, मटर, चना मटर सरसों और क्या हो गया, गेहूं हो गया, चना मटर सरसों, मसूर, धना, ठीक ना, इन सब की कृषि की जाती है, ठीक ना। ये रबी की फसल है, ठीक ना। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाते हैं कभी कभी कौन सी फसल है। दूसरी अगर फसल की बात करते हैं तो शीत ऋतु के बाद अप्रैल मई में जायद की फसल बोई जाएगी, जायद की फसल,
कौन सी फसल है? तो दूसरी फसल आती है हमारी जायद की फसल, इसको हम अप्रैल में बोते हैं, अप्रैल मई में इसको बोते हैं, अप्रैल मई, और जून जुलाई तक काट लेते हैं, जून जुलाई। अगर देखा जाए तो इसका समय अंतराल बहुत कम होता है, देख लीजिएगा आप, अप्रैल से मई, मई से जून, ठीक ना, लगभग 50-60 दिन की फसल होती है, ठीक ना। तो ये शीत सॉरी ग्रीष्मकालीन फसल होती है, ग्रीष्मकालीन फसल, भयानक रूप से जब गर्मी पड़ती है और ग्रीष्मकाल जब होता है तो हमें पानी की आवश्यकता अधिक होती है, तो इसमें पानी वाली फसलें अगर देखो उगाई जाएंगी, पानी वाली फसल, ऐसी फसलें जिनका उपयोग हम पानी के रूप में करते हैं, जैसे आपको खीरा, खीरा, खीरा हम गर्मियों में खाते हैं, क्यों? क्योंकि अधिक मात्रा में उसमें पानी होता है, ठीक ना, पानी कमी कम ना हो जाए, खीरा हो गया आपका। जैसे ककड़ी होगी, ककड़ी, ठीक ना, खीरा ककड़ी, तरबूज हो गया आपका, तरबूज हो गया, और क्या हो गया, तरबूज के बाद और क्या हो गया आपका, तरबूज हो गया और खरबूज। तो खीरा ककड़ी तरबूज खरबूज जायद की फसल में उगाए जाएंगे गर्मियों में। अगर समय पूछा जाए तो समय कब से होता है, तो समय अप्रैल मई में बोई जाएगी और जून जुलाई में इसको काट लिया जाता है, ठीक ना। हालांकि मैं आमतौर पर जानते होंगे सबसे कम समय अंतराल में बोई जाती है और काट ली जाती है। उसके बाद एक बचती है हमारी खरीफ की फसल, कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। तो एक अगर शीतकालीन हो गई, ग्रीष्मकालीन हो गई, तो ये कौन सी होती है? ये वर्षाकालीन फसल होती है। कौन सी फसल होती है? ये होती है आपकी फसल वर्षाकालीन फसल होती है, जो जून में बोई जाएगी, जून जुलाई में बोई जाती है। कब? जून जुलाई में बोई जाएगी, बुआई होती है, और सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। कब? सितंबर अक्टूबर, सितंबर अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है, ठीक ना। कौन सी है? खरीफ की फसल, समझिए अच्छे से। अगर बात करें हम कि इसमें क्या उगाएंगे हम, तो इसमें मुख्य रूप से उगाया जाता है आपका चावल, मुख्य रूप से इसमें उगाया जाता है आपका क्या? तिल। जैसे आपका चावल हो गया, तिल हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, ठीक ना, मक्का हो गया, ठीक ना। तो इन सब की फसल की जाती है, चावल है, तिल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, अरहर है, रागी है, मूंगफली है, ठीक ना, रागी हो गया और क्या हो गया, मूंगफली। इन सब की इसमें क्या की जाती है? इन सब की इसमें फसल खेती की जाएगी, ठीक ना, हो गया, क्लियर है बात है। तो ये आज हमने थोड़ा सा ही टॉपिक पढ़ाया है, बस यही पढ़ाऊंगा आज। अब भारत की एक एक से हम फसलों को देखेंगे, तो भारत की फसलों का एक मैं बहुत अच्छा सा आपको डिवीजन बताऊंगा कि किस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया, उष्णकटिबंधीय फसल कौन सी होती है, शीतोष्णकटिबंधीय फसल कौन सी होती है, कहां पर बोई जाएंगी, इन सब चीजों को देखेंगे, ठीक ना। देखिएगा, और आप लोग जैसे बार बार बोलते रहते हैं कि सर बीच में स्टॉप कर देते, स्टॉप नहीं करते, हम लोग पूरा का पूरा पढ़ाते हैं, लेकिन ये डेमो वीडियो है, आपको प्रवेश लेना पड़ेगा, ऑनलाइन बैच में हमारे यहाँ प्रवेश लेना पड़ेगा, और प्रवेश लेंगे तो आपको पूरा का पूरा जो कोर्स है आपका वो बैच में चल कराया जाएगा। यहाँ पर केवल हम प्रमोशन करते हैं, अपनी योग्यता को आपके सामने रखते हैं। हमारे यहाँ प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा को संचालित किया जा रहा है, दो बैच संचालित किया जा रहे हैं दोनों परीक्षाओं के लिए। अगर आप केवल प्री परीक्षा की हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं, ठीक ना, तो आपको 9170509670 इस नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से यूपीपीसीएस प्री एंट्री लेकर सेंड करना होगा। और आप चाहते हैं कि आप हमारे साथ ना केवल प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा की भी तैयारी करें, तो इसके लिए आपको यूपीपीसीएस प्री कम मेंस एंट्री लेकर 9918000454 इस नंबर पर आपको सेंड करना होगा। आपको एडमिशन की पूरी प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी, ठीक ना, एडमिशन की सारी प्रक्रिया आपको समझा दी जाएगी। और यकीन मानिएगा, विश्वास कीजिएगा, आपको उत्तर भारत बल्कि पूरे भारत देश की सबसे अच्छी और सबसे योग्य टीम के साथ शिक्षण कार्य कराए जाएंगे, ठीक ना मित्रों। आज यही रखते हैं, इसके अंकल मिलते हैं, थैंक यू।